नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। रक्षा मंत्रालय में कार्यरत 28 वर्षीय क्लर्क 2 दिन से लापता। हनी ट्रैप में फंसाकर रक्षा मंत्रालय से जुड़े कागजात हड़पने व PFI द्वारा फंसाने का शक। बीते दिन रेवाड़ी के गांव धामलावा स्थित ड्यूटी से घर के लिए निकला था सुभाष, फोन हो गया स्विच ऑफ, नहीं पहुंचा ड्यूटी पर। आज आप यहाँ आए हैं एसपी साहब से मिलने, क्या पूरा मामला था? ये मामला ये था सर, मेरा लड़का रक्षा मंत्रालय में ड्यूटी करता था जी, दिल्ली पेशेंट था, कल ड्यूटी पे गया था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या वजह मान के चल रहे हैं, क्या वजह है सर? वो कहीं किडनैप हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? हमारे ये लगता है सब स्विच भी उनके ऑफ हैं, फोन ऑफ है सब। कुछ बताते, कुछ डायरी भी छोड़ के गए, क्या क्या उसमें लिखा हुआ है? हम उसी के बारे में जानते हैं, बाकी हमारे को कुछ नहीं पता। जो डायरी में लिखा था वही पढ़ा है हमने जी। उसके बाद अलावा हमको कुछ क्या लिखा है डायरी में? डायरी में कई चीजें लिखी हुई है सर, फिर भी जो मोटे मोटा तौर पे कुछ क्या कुछ लिखा है कि मेरे को इंजेक्शन लगा रहे हैं। कौन किसका नाम लिखा है? किसी का नाम नहीं लिखा है। नहीं इंशाल्लाह वगैरह वो मुस्लिम से क्या उस्मान का नाम लिखा हुआ है, तो आप खुल के बताइए ना। उस्मान का नाम लिखा हुआ है, आप बता दो ना, अल्लाह का नेक बंदा है, ऐसे ऐसे कुछ बातें लिख करके, और उन्होंने घर के लिए धमकी दिया, उल्टी पुल्टी लिखी हुई है उसके अंदर सब, जो हमने थाना के अंदर जमा करवा दिया। जो ओरिजिनल क्या क्या कहा है पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया, क्या FIR दर्ज कर ली? हाँ, FIR दर्ज कर लिया है, बोला हम काम अपना कर रहे हैं। बस स्टैंड पर खड़ी मिली स्कूटी और स्कूटी में मिली एक डायरी। परिजनों के अनुसार डायरी में लिखा कि उससे मांगी जा रही हैं रक्षा मंत्रालय से जुड़ी अहम जानकारियां, उसे किया जा रहा है ब्लैकमेल, उस्मान नाम का शख्स दे रहा है धमकी। परिजनों ने दी रामपुरा थाना पुलिस को शिकायत, पुलिस ने किया मामला दर्ज। परिजनों ने SIT गठित करने की मांग। यहां परिवारजनों का कहना है कि आधार कार्ड को भी हैक कर दिया गया है और ग्रामीणों के साथ जांच को तेज करने की गुहार लेकर पहुंचे जिला सचिवालय। आपको बता दें कि गांव धामलावास निवासी है सुभाष। मैं चंद्रशेखर है, मैं बेसिकली मेरा गांव भाड़ावास है। आज मैं आया हुआ था तो दिल्ली से, तो मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई चंद्रशेखर ऐसे ऐसी एक सुभाष थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करता है LDC के रैंक पे, तो वो कल से 9 बजे अपने धामलावा से निकला था और स्कूटी पे, उसके बाद वो अनट्रेसेबल है, तो बहुत ढूंढने की कोशिश करी तो लेकिन वो नहीं मिला। जब उसकी स्कूटी को मिला तो उसकी स्कूटी के अंदर डायरी मिली है एक, और उस डायरी में उसने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी की है कि भी उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियो उसकी बना के, और उससे क्लासीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उसको उसके बारे में पता किया जा रहा है, और मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं है जी। और उससे 2 लाख रुपए भी मांगे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें की है, और उसके नीचे उसमें कहा कि उन लोगों ने कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के नेक काम के लिए तुम काम कर रहे हो, तो हमको पूरा शक है कि उसको किडनैप करके और हनी ट्रैप में उसको ट्रैप किया गया है, और कल से उसकी जान को भारी खतरा है, और इमीडिएटली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और SIT गठित करके, और ये बहुत संवेदनशील रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे उसको सुभाष की जान बचाई जाए और इसमें ज़्यादा देरी नहीं करी जाए। किन लोगों का नाम है इसमें जिस तरीके की डायरी एक लिखी? उसमें डायरी में उस्मान नाम का एक दिया गया है, और डायरी हमने ओरिजिनल डायरी रामपुरा पुलिस स्टेशन में SHO को सौंप दी गई है। तो आप लोगों से न्यूज़ से सारी से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी एस्केलेट करके और उस बच्चे की अगर जान बचाई जाए, और उसका किसी तरह से अनकॉन्टेक्टेबल है, वो हर तरह से सारे रिश्तेदार यार दोस्त सबसे उसकी पूछ लिया गया है, लेकिन वो अनकॉन्टेक्टेबल है, और हमको पूरा विश्वास है उसको हनी ट्रैप में ट्रैप कर दिया गया है। मेरे को पता चली है उनके परिवार से कि उसने अपनी डायरी में लिखा है कि उसके आधार कार्ड को हैक करके उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो बायोमेट्रिक जो थंब इम्प्रेशन था उसको भी चेंज कर दिया गया है, और वो एक साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा हैकर है, हो सकता है वो PFI से और उससे बहुत बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हो, जिसके आधार पर उसकी जगह किसी दूसरे को रक्षा मंत्रालय के अंदर एंट्रेंस करवा के और बहुत बड़ा कोई वारदात ना करवा दे, जब तक
कि वो ना बरामद हो जाए। एसपी साहब अभी मिले नहीं, एसपी साहब रेजिडेंस पे हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि वी ट्रस्ट ऑन द एसपी साहब कि वे वो जल्दी जल्दी एक एसआईटी गठित करके और इस मैटर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएं, उच्च स्तरीय लेके जाएं और हम लोग भी रक्षा मंत्रालय से उनसे कांटेक्ट में। अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह के कागजात गुप्त वो जिक्र है, हाँ वो उसमें कोई जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी डायरी में जो पर्सनल डायरी जो उसकी स्कूटी में बरामद हुई थी उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि पूरा विश्वास है कि उसी आधार पे, क्योंकि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का एमओडी का एक संवेदनशील मंत्रालय में कार्यकर्ता है, इसी आधार पे उसको हनी ट्रैप करके उसको गायब कर दिया गया है।